हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चल रहा था 12th क्लास के अंदर, यानी 12th क्लास के अंदर हमारा जो लेक्चर चला हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा हमने कहा था कि चैप्टर को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने कुछ बातें की थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आउटर व्यू के बारे में हमने जाना था। इससे पहले हमने ओवरी के बारे में जाना था और कंप्लीट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं उसको देखा था। उसके बाद हम ओवरी के बारे में डिस्कस करने लगे थे और ओवरी के अंदर हम इन सब चीज़ों को देख चुके हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये ओवरी है, ये एक लिगामेंट होता है माई डियर। लिगामेंट की हेल्प से ओवरी जो होती है यूट्रस के साइड में अटैच होती है। ओके, उसके बाद ओवरी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, उसको बेटा ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा, राइट डियर? तो ओवेरियन स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं। एक तो ये बाहर वाला पार्ट, इसको ओवेरियन कोर्टेक्स बोलते हैं, इसको अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। ये जो मेड्यूला होता है इसमें डीजनरेटेड फोलिकल्स होते हैं, यानी वो फोलिकल जिनका ऊसाइट मैच्योर नहीं हो पाता, या वो फोलिकल जो मैच्योर नहीं हो पाते उनको हम इमैच्योर फोलिकल बोलते हैं, और वो इसमें डिजेनरेट हो जाते हैं। और उन डिजेनरेटेड फोलिकल के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एट्रेसिया। ओके, तो ये जो फोलिकल हैं ये कोर्टेक्स के अंदर ऐसे मैच्योर होते हुए चलते हैं ऐसे, ठीक है? तो पहले प्राइमोर्डियल होता है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके बाद क्या बन जाता है? ग्रेफिन फोलिकल। ग्रेफिन फोलिकल में से एग जो होता है यानी ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है और फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। जो बचा हुआ फोलिकुलर सेल का मास है वो अंदर ओवरी में ही रह जाता है, इसे कॉर्पस हेमरेजिकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस हेमरेजिकम। ये कॉर्पस हेमरेजिकम फिर कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे कॉर्पस एल्बिकन में चेंज हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है? कॉर्पस ल्यूटियम की जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो लाइफ होती है बेटा, वो लगभग 8 से 10 दिन का इसका लाइफ होता है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए तो इसकी जो लाइफ है वो कितनी हो सकती है? इसकी लाइफ जो है वो 3 महीने तक हो सकती है, यानी 12 वीक, 12 हफ्ते तक ये अपने आप को बचा के रख सकता है। क्योंकि इसका बचना फिर जरूरी है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह हॉर्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से आएंगे जो बेटा प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, ये सब चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहां तक अभी तक हमने बात की थी। जो ओवरी होती है उसमें 3 लेयर है। एक्सटर्नल लेयर पेरिटोनियम है, उससे नीचे एक एपिथीलियम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम जर्माइनल एपिथीलियम बोलते हैं, जो एक टाइप का क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। उससे नीचे बेटा एक लेयर होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बिजिनिया। ओके बेटा, मैं आपको ये सारे लेक्चर बिल्कुल सिक्वेंस वाइज करा रहा हूँ, 12th के अंदर भी और उधर से 11th के अंदर भी। तो 11th और 12th हम दोनों पढ़ रहे हैं। 11th को हम 11th प्लस नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, 12th को हम 12th बोर्ड प्लस नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है? कुछ दिन में हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, जिसमें पूरा 11th 12th का सिलेबस नीट के साथ साथ होगा, ठीक है? बायोलॉजी होगी, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री भी होगी। सारे सब्जेक्ट एकदम एक दिन हम इस पे कवर कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कंप्लीट सिलेबस डाल देंगे इसमें, ठीक है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने देख चुका था। अब ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को दिमाग में उतारना जरूरी होता है, ठीक है? तो देखते हैं, एनसीईआरटी ये लिखता है कि जो ओवरीज होती हैं, ओवरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं? जो गैमिट प्रोड्यूस करता है और जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यहाँ से गैमिट प्रोड्यूस होता है जिसको ओवा बोलते हैं, और स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। बेटा ये जो एक्चुअली ओवम वर्ड है और जो ऊसाइट है, इसको कई बार सिनोनिम यूज करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है? वो आगे थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सेकेंडरी ऊसाइट को कई बार जनरली लेमेन टर्म में हम ओवम बोल देते हैं, एग भी बोल देते हैं, बट टेक्निकल डिफरेंस होता है सब में थोड़ा थोड़ा। ओवरी की लोकेशन बताई है, लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमन, लोअर एब्डोमन के ईच साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक
ठीक है, फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती, मेरा एग्जाम्पल मत लेना। ओवरी की जो लेंथ होती है बेटा 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद एनसीईआरटी लिखता है कि कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल, भाई मैंने बताया था कि बॉडी की दो लेयर हैं, आगे वाली लेयर को हटा दो, पीछे वाली जो लेयर है उसके साथ चिपकी हुई है ओवरी, लिगामेंट की हेल्प से। लिगामेंट के क्या क्या नाम मैंने आपको बताए थे कि सबसे मेन जो होता है उसको चारों तरफ से जो घेरे होता है वो होता है ब्रोड लिगामेंट। एक ओवरी के साथ एक स्ट्रक्चर सीधा यूट्रस के साथ अटैच करती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, रस्सी की तरह होती है, उसका नाम था ओवेरियन लिगामेंट। ओवरी के पीछे जो लिगामेंट है उसका नाम था मीजोवेरियम। ओके डियर, इसके अलावा बेटा एक था जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके पीछे जो लिगामेंट होता है जो फेलोपियन ट्यूब को अटैच करके रखता है उसका नाम होता है मीजोसेल्पिनक्स। ठीक है, अब ये एक एक लाइन हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथीलियम, ये बात तो एनसीईआरटी ने बताई कि ओवरी के ऊपर थिन एपिथीलियम की कवरिंग है, बट बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी हमें एक बात बताना भूल गया कि वो एपिथीलियम कौन सा है। बेटा वो एपिथीलियम जो होता है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है, इसी को जर्माइनल एपिथीलियम बोलते हैं, एंड इट इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है, ओवरी का जो मैट्रिक्स होता है उसे ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, आउटर इज कोर्टेक्स, इनर इज मेडुला। तो फोलिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, कोर्टेक्स रीजन में। ओके डियर, तीनों लेयर में से सिर्फ इसने एपिथेलियम वाली लेयर का नाम बताया, ऊपर वाली लेयर पेरिटोनियम, नीचे वाली लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दो लेयर खा गया। ठीक है, स्ट्रोमा के दो पार्ट हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। तो शुक्र है ये बात बता दी ना, एनसीईआरटी बड़ा इंटेलिजेंट किताब है, जंप मारता हुआ चलता है मेंढक की तरह, है ना। तो जहां जहां पे वो जंप मारता है हमने उसको पकड़ लेना, बताना यहाँ पे ये भी बताओ साथ में, है ना। ये बेटा लिगामेंट के नाम है। मिजोवेरियम क्या था, जो ओवरी के पीछे है, स्पोज 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 स्पोज, ये ओवरी है, ये यहाँ से बॉडी एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, भाई इसके पीछे जो लिगामेंट इसको जो चिपकाए हुए ओवरी की वॉल से, दैट इज मिजोवेरियम। ठीक है, एक्चुअली ये मिजोमेट्रियम होता है, उसके पार्ट होती है तीन पार्ट। ठीक है, मिजोमेट्रियम इज मिजेंट्री ऑफ यूट्रस। बेटा कुछ साल पहले रिसर्च आई थी तो मिजेंट्री को भी एक टिश्यू बोला गया था, कि मिजेंट्री जो होता है एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि बॉडी के ऑर्गन्स को बॉडी की कैविटी से अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये मिजोमेट्रियम एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू यानी मिजोमेट्रियम के तीन पार्ट हो गए, एक तो ब्रॉड लिगामेंट ओवरी के साइडों में, मिजो सेल्पिनक्स जो फेलोपियन ट्यूब के पीछे है, और तीसरा बेटा क्या था, मिजोवेरियम जो ओवरी के पीछे है। ठीक है, तीनों को मिला के हम मिजेंट्री बोलते हैं यूट्रस की, राइट। चलिए, प्राइमरी फोलिकल का साइज 40 माइक्रोमीटर होता है, बड़ा होते होते वो 400 माइक्रोमीटर हो जाता है, यानी 10 गुना उसका साइज बढ़ जाता है। ओके डियर, चलिए ये सब चीजें हम कल जब मैंने आपको समझाया था उसमें हम ये देख चुके हैं। अब बेटा कुछ और चीजें हैं कि जो प्राइमरी ऊसाइट होता है इट इज चेंज इंटू सेकेंडरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट जो होता है इट इज चेंज इंटू सेकेंडरी ऊसाइट व्हेन इट इज इन टर्शरी फोलिकल। इस पे क्वेश्चन आता है कई बार। देखो मेरा बेटा, प्राइमरी फोलिकल में प्राइमरी ऊसाइट होता है, सेकेंडरी फोलिकल में भी प्राइमरी ऊसाइट होता है। जब टर्शरी फोलिकल बनता है तो टर्शरी फोलिकल के इनिशियल स्टेज में सेकेंडरी ऊसाइट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मियोसिस वन जो अटक गया था वो कंप्लीट हो जाता है, और मियोसिस वन कंप्लीट होके सेकेंडरी ऊसाइट बना देता है। इसलिए अपना जो आंसर होगा वो ये होना चाहिए कि जो टर्शरी फोलिकल है उसके अंदर सेकेंडरी ऊसाइट है। ठीक है, सॉरी, ग्रेफिन फोलिकल में कौन सा ऊसाइट है, उसके अंदर भी सेकेंडरी ऊसाइट है। तो याद रखना, प्राइमरी सेकेंडरी में प्राइमरी, टर्शरी फोलिकल और ग्रेफिन फोलिकल में सेकेंडरी ऊसाइट, ये क्वेश्चन आता है कई। ठीक है, अब जब फोलिकल का डेवलपमेंट होता है बेटा, आपको पता है ओवरी के अंदर मैंने बताया एक ओवरी में लगभग 60 से 80 हजार फोलिकल्स होते हैं, एक ओवरी में 60 to 80 thousand। इनमें से हर एक साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही ग्रेफिन फोलिकल बनता है। हालांकि ग्रेफिन फोलिकल बनने की कंपटीशन में बहुत सारे फोलिकल अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, वो सारे फोलिकल डिजनरेट होते हुए चलते हैं, उनमें से एक फोलिकल आगे निकलता है,
और वो फोलिकल ग्रेफिन फोलिकल में चेंज होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन, स्पर्म्स, जब फर्टिलाइजेशन जब होता है, ओवम से मिलने के लिए बहुत सारे स्पर्म दौड़ते हैं, ओवम से प्रेम करने के लिए बहुत सारे स्पर्म भागते हैं, बट उनमें से कुछ ही स्पर्म ओवम के पास जा पाते हैं और उसके साथ सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है उसके साथ अच्छे से मिल पाता है। और स्पर्म के ओवम के साथ मिलने को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसी तरह का कंपटीशन फॉलिकल्स में भी होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है तो बहुत सारे फॉलिकल अपने आप को ग्रेफिन फॉलिकल बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, बट धीरे धीरे सारे फॉलिकल डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज होता है। तो डिजनरेटेड फॉलिकल को बेटा एट्रिशिया बोलते हैं, जो मेडुला पार्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। चलिए, ओवेरियन जो मेडुला होता है बीच वाला पार्ट, उसमें क्या होता है? बीच वाले पार्ट में बेटा मेनली जो चीज हमें याद रखनी है वो होती है ब्लड वेसल और इलास्टिक फाइबर। बस येलो इलास्टिन प्रोटीन के फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर वो उसमें होते हैं, ब्लड वेसल होती है। बात करते कोर्टेक्स में क्या होता है? कोर्टेक्स में देर आर फोलिकल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में फोलिकल दे आर प्रेजेंट इन कोर्टेक्स। ओके डियर। अब बात आती है कि जो फोलिकुलर सेल्स होती हैं, फोलिकुलर और ग्रेनुलोसा वर्ड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। फोलिकुलर सेल जो होता है वो कम लेयर वाली सेल का नाम होता है, कम सेलों का नाम होता है। और ग्रेनुलोसा व्हेन देयर इज अ मल्टीपल लेयर ऑफ फोलिकुलर सेल, फोलिकुलर सेल की ऐसे वन बाय वन कई सारी लेयर जम जाएं, दैट इज ग्रेनुलोसा सेल। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा? दो काम है। एक तो फोलिकुलर सेल से एक लिक्विड निकलता है जिसको फोलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। तो डेवलपिंग जो ऊसाइट है फोलिकल के अंदर, उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है ये फोलिकुलर फ्लूइड। एक काम। दूसरा बेटा, ये एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। तो ये दो काम इसके होते हैं, एक तो नरिशमेंट करना और एक क्या बेटा, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करना। बेटा ये जो रेड कलर की लाइन है इनको अपनी एनसीईआरटी में डाल लेना, सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, बाद में रिवाइज करते रहना। ओके। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं ये पीपीटी जो है इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, दैट इज फोलिकुलर डेवलपमेंट। फोलिकुलर डेवलपमेंट को मैं ओवरी के अंदर ही डिस्कस कर रहा हूं, गैमिटोजेनेसिस में अलग से डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं फोलिकुलर डेवलपमेंट होता क्या है। इमेजिन, काफी लंबी कहानी, दिल थाम के बैठना। देखो होता क्या है, प्राइमोर्डिया जर्म सेल माइग्रेट फ्रॉम योक सैक ऑफ फिटस टू हर ओवरीज। इस लाइन का क्या मतलब? देखो बेटा, जो योक सैक होता है, योक सैक के अंदर स्टेम सेल होती है, वहीं से एरिथ्रोपोएटिक स्टेम सेल आती हैं, वहीं से एपिथेलियल टिश्यू को बनाने वाली स्टेम सेल आती हैं, कनेक्टिव टिश्यू को स्टेम सेल बनाने वाली सेल आती हैं। तो यानी बॉडी की जो स्टेम सेल होती हैं वो योक सैक में होती है। तो योक सैक में से जो स्टेम सेल होती है उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है मेरा बेटा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल योक सेल्स के निकल के फिटस की उस लोकेशन पे चली जाती हैं जहां पे ओवरी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है? उसके बाद देखो क्या है, मान लो मदर की बॉडी में छोटा सा फीमेल फिटस है, उसकी ओवरी बन गई है, फिटस की ओवरी। इमेजिन कितनी छोटी चीज होगी वो, छोटा सा फिटर, उसकी ओवरी कितनी छोटी, सेल भी तो बहुत छोटी होती है, ठीक है? अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वहीं पे लगभग जब 3 महीने का फीटस होता है वहीं पे जर्म सेल डिफरेंशिएट करती हैं और उगोनिया बना देती हैं। उगोनिया को मदर सेल भी बोलते हैं, एग मदर सेल या ओवा मदर सेल। उसके बाद ये उगोनिया माइटोसिस स्टार्ट करते हैं, माइटोसिस स्टार्ट करते करते मिलियंस ऑफ उगोनिया बन जाते हैं, किसमें? फीटस की ओवरी में, जो कि लगभग 3 महीने का है मदर की बॉडी में। प्राइमोर्डियल जर्म सेल योक सैक से आई, डिवीजन डिफरेंशिएट किया, उगोनिया बनाया, उगोनिया में माइटोसिस हुई, बहुत सारे उगोनिया बन गए। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखो क्या होता है, जो उगोनिया होता है, जो उगोनिया होता है बेटा
उसके अंदर मियोसिस वन स्टार्ट हो जाता है। उगोनिया के अंदर मियोसिस वन स्टार्ट हो जाता है बट पूरा नहीं हो पाता। जब उगोनिया में मियोसिस वन स्टार्ट हो जाता है तो उगोनिया चेंज हो जाता है प्राइमरी ऊसाइट में। किसमें चेंज हो जाता है? प्राइमरी ऊसाइट में। बट ये मियोसिस वन जो है बेटा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। क्लियर है? मियोसिस वन शुरू हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ। ये मियोसिस वन जो होता है प्रोफेज वन में जाके अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज वन के कहां पे? डिप्लोटिड में। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस प्रोफेज वन याद रख लो। उसके बाद ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, जो कि उगोनिया में मियोसिस वन होने से बना है, जो कि प्रोफेज वन में अरेस्ट हो गया है, इसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। इसको न्यूट्रिशन देने के लिए जो फोलिकुलर सेल है उसको चारों तरफ से घेर लेती है। और बेटा जब प्राइमरी ऊसाइट को, जो कि मियोसिस वन शुरू हो गई बट पूरी नहीं हुई, तो मियोसिस वन जो कि प्रोफेज वन में अरेस्टेड है प्राइमरी ऊसाइट के अंदर, उसके ऊसाइट के ऊपर जो लेयर बन जाती है बेटा, तब इसका नाम क्या होता है? फोलिकल। तो तब इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल। अब बताओ, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, मान लो मेरा बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? मान लो ये फोलिकल है, और इसमें मान लो ये जो मार्कर है ये क्या है? ये प्राइमरी ऊसाइट। क्लियर है? अब होगा क्या? देखो, अब फिटस के अंदर मिलियंस में ये प्राइमरी फोलिकल होते हैं। प्राइमरी फोलिकल में क्या है? प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है? उसके बाद जैसे जैसे फीटस का लाइफ बढ़ता है और जैसे जैसे उसका जन्म होने को होता है, तो ये फोलिकल का जो नंबर है ये घटता रहता है। तो इस डीजनरेशन को ही बेटा फोलिकुलर एट्रीसिया कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट क्लियर। आगे देखते हैं, जब फीमेल फीटस का जन्म होता है, उसकी ओवरी में प्राइमरी फोलिकल है, प्राइमरी फोलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी ऊसाइट। तो जन्म के समय पे 1 से 2 मिलियन यानी 10 से 20 लाख प्राइमरी फोलिकल होते हैं प्रत्येक ओवरी में, लेफ्ट वाली में भी राइट वाली में। उसके बाद बच्चे का बच्ची का जन्म हुआ, बच्ची का जन्म हुआ वो बड़ी होती है, जैसे वो 13-14 साल की होती है, ये फोलिकल भी घटते हुए चलते हैं, डिजनरेट होते रहते हैं। और ये डिजनरेशन होते होते जब वो 13-14 साल की बच्ची होती है, उस समय माय डियर उसकी एक ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फोलिकल बच जाते हैं। और प्राइमरी फोलिकल में है प्राइमरी ऊसाइट, जो कि मियोसिस वन के प्रोफेज में अरेस्टेड है। देखो कब शुरू हुई थी ये? फीटस जब 2 महीने 3 महीने का था जब शुरू हुई थी, और अब बच्ची बड़ी होके 13-14 साल की हो गई है, अभी तक ये मियोसिस वन पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब मियोसिस वन को पूरी होने में कितने साल लग गए? 13-14 साल लग गए। ठीक है, कम से कम 13-14 साल, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जैसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल के अंदर, तो हार्मोन एस्ट्रोजन जो होता है उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, एफएसएच का लेवल हाई हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट की वजह से जो प्राइमरी फोलिकल होता है वो सेकेंडरी फोलिकल में चेंज हो जाता है, मेनली एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। तो बेटा प्राइमरी फोलिकल चेंज हो गया सेकेंडरी फोलिकल में कैसे? ये जो फोलिकुलर लेयर है ना, जब इसका नंबर बढ़ जाता है तो उसे सेकेंडरी फोलिकल बोलने लग जाते हैं, बट अभी भी सेकेंडरी फोलिकल के अंदर प्राइमरी ऊसाइट है, जो किसमें अरेस्ट है? प्रोफेज वन। ठीक है, अब अगर यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एक साइकिल में एक प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में बदलता है, तो एक साल में फीमेल में लगभग कितने साइकिल होंगे बेटा? 13 साइकिल होंगे एक साल में, 13 साइकिल होंगे। और रिप्रोडक्टिव एज कितनी फीमेल की? 13 साल से लेके 50 साल तक लगा लो, तो लगभग 37 ईयर बन गए। ठीक है, तो 37 साल तक ये काम होगा। ठीक है, और एक साल में 13 कन्वर्ट होंगे प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट। ओके डियर, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 402 क्या आ जाएगा? 450, यानी 60 से 80 हजार में से सिर्फ 400 से 450 ही, सिर्फ 400 से 450 ही इसमें चेंज होंगे बेटा। इसमें चेंज होंगे सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज होंगे।
बाकी सारे फोलिकल डिजनरेट हो जाएंगे, और ये दोनों ओवरियों की कैलकुलेशन है। ठीक है, एक ओवरी में 60 से 80 हजार है, लेकिन ये जो 400 से 450 का नंबर है बेटा, ये दोनों के लिए कंबाइन है। ठीक है, नहीं समझे? क्या होता है, एक्सेप्शनल केस में ट्विंस होते हैं, नहीं तो यूजुअली क्या होता है, जब एक ओवरी के अंदर सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है तो दूसरी में नहीं बनता। इसलिए बेटा ओवुलेशन एक ही से होता है यूजुअली, एक बार लेफ्ट से फिर राइट से, फिर लेफ्ट से फिर राइट से, कई बार दोनों से हो जाता है, तो रेयर चांस है। इमेजिन एक ओवरी में मान लो 60 हजार है, दोनों में कितने बने, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 में से सेकेंडरी ओसाइट में यानी मियोसिस वन किस में कंप्लीट होगा, सिर्फ 400 से 450। डन, ओके। अब देखो आगे क्या है, यानी सेकेंडरी फोलिकल बना, उसके बाद सेकेंडरी से जब टर्शरी फोलिकल बनता है यानी और ज्यादा लेयर बन जाती है, उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को खाली जगह को एंट्रम बोलते हैं, जिसमें फोलिकुलर फ्लूइड होता है जो न्यूट्रिशन करता है उस साइट का। ठीक है, उसी समय पे बेटा क्या होता है, प्राइमरी उस साइट का ये जो मियोसिस वन है ये कंप्लीट हो जाता है, और प्राइमरी उस साइट चेंज हो जाता है सेकेंडरी उस साइट में। प्राइमरी उस साइट जो है बेटा वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी उस साइट में। ठीक है, प्राइमरी उस साइट, देखो एक बात देखो, जो उगोनिया है उसमें डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन से क्या बना, प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट के अंदर मियोसिस वन शुरू हो गया बट पूरा नहीं हुआ, प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस वन शुरू हुआ बट पूरा नहीं हुआ, पूरा होते ही उसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, तो प्राइमरी ऊसाइट अपने आपको कई सालों तक प्रोफेज वन में अरेस्ट रखता है, प्राइमरी ऊसाइट में जब मियोसिस पूरा हुआ सेकेंडरी ऊसाइट बना, सेकेंडरी ऊसाइट बनते ही मियोसिस टू शुरू हो जाता है बट वो भी अटक जाता है किसमें, मेटाफेज टू में। अब टर्शरी फोलिकल के अंदर मियोसिस वन कंप्लीट हुई, प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज हो गया, प्राइमरी ऊसाइट डिप्लोइड होता है, सेकेंडरी ऊसाइट हैप्लोइड होता है। ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर भी इमीडिएटली मियोसिस टू शुरू हो गई बट बेटा वो मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो गई, इसका मतलब सेकेंडरी ऊसाइट अरेस्टेड इन मेटाफेज टू, मियोसिस टू के मेटाफेज में। अब ये सेकेंडरी ऊसाइट कहां पे पड़ा है, टर्शरी फोलिकल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, साथ में एक पोलर बॉडी भी बनती है। ओके, उसके बाद बेटा क्या होता है, जो ग्रेफियन फोलिकल है वो बन जाता है। अब ग्रेफियन फोलिकल में कौन सा ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट अरेस्टेड इन मेटाफेज टू। फिर ग्रेफियन फोलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी ऊसाइट विच इज अरेस्टेड इन मेटाफेज टू वो बाहर निकल के फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। वो पोलर बॉडी जो अंदर पड़ी है, क्योंकि प्राइमरी ऊसाइट से जब मियोसिस वन कंप्लीट होगा तो सेकेंडरी ऊसाइट बना, साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ऊसाइट दोनों रिलीज होके फिलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। ध्यान रखना ओवुलेशन में कौन बाहर निकलता है, सेकेंडरी ऊसाइट मेटाफेज टू में अरेस्टेड है अलोंग विद सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, दोनों बाहर निकलते हैं, दिस इज ओवुलेशन। ठीक है, तो लिखा है कि ग्रेफियन फोलिकल, पहले लाइन पढ़ो, मियोसिस वन कंप्लीटेड इन टर्शरी फोलिकल स्टेज, प्राइमरी ऊसाइट चेंज इनटू सेकेंडरी ऊसाइट, इट स्टार्ट मियोसिस टू बट अरेस्टेड इन मेटाफेज। ठीक है, ग्रेफियन फोलिकल सेकेंडरी ऊसाइट उसमें है, ओवुलेशन के समय पे वो बाहर निकलता है अलोंग विद कोरोना रेडिएटा। ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट के ऊपर कुछ फोलिकुलर सेल की लेयर बच जाती है, उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो जब वो बाहर निकलता है तो कोरोना रेडिएटा भी साथ में निकलती है। ओके बेटा, तो ये थी अपनी पूरी कहानी फोलिकुलर डेवलपमेंट की। मैं पूरी कहानी को समराइज कर देता हूं फटाफट आधे मिनट में। फिटस था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल थे उगोनिया में बने, जो उगोनिया है वो डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी ऊसाइट में बने, बहुत सारे उगोनिया खत्म हो गए। प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस वन शुरू हो गया बट पूरा नहीं हो पाया, प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर लेयर आ गई तो उसका नाम प्राइमरी फोलिकल होने लगा, इसका मतलब प्राइमरी फोलिकल में प्राइमरी ऊसाइट है जो मेटा प्रोफेज वन में अरेस्टेड है। धीरे धीरे प्यूबर्टी आने के बाद एक फोलिकल के अंदर मियोसिस वन पूरी होती है और उसका प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में चेंज हो जाता है, जो तुरंत ही मियोसिस टू के मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है।
ठीक है, उधर से जो प्राइमरी फोलिकल था, लेयर जमने से सेकेंडरी फोलिकल बन जाता है, और लेयर जमने से टर्शरी फोलिकल बन जाता है, और लेयर जमने से ग्रेफियन फोलिकल बन जाता है। ठीक है, तो ग्रेफियन फोलिकल के अंदर कौन सा ऊसाइट हुआ? सेकेंडरी ऊसाइट, मेटाफेज टू में रेस्टेड। इसके अलावा ग्रेफियन फोलिकल के अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी भी है। ओवुलेशन होता है, रप्चरिंग होती है, बाहर निकल के आता है, कौन निकल के आता है? सेकेंडरी ऊसाइट जो मेटाफेज टू में अरेस्टेड है, फ्लोपियन ट्यूब में आ गया। फर्स्ट पोलर बॉडी भी आ जाती है जो यूजुअली डिजनरेट हो जाती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म के कॉन्टेक्ट में आने से, अगर सेकेंडरी ऊसाइट स्पर्म के कॉन्टेक्ट में आता है तो मियोसिस टू जो कि रुका हुआ है वो रिस्टार्ट हो जाता है और सेकेंडरी ऊसाइट से ओवम बन जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है जो कि डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, इस बात को मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हमने सिर्फ फोलिकुलर डेवलपमेंट को देखना था। तो मेरे ख्याल से फोलिकुलर डेवलपमेंट बिल्कुल माइंड में क्लियर है, यानी जब ओवुलेशन होगा तो सेकेंडरी ऊसाइट आएगा, और जब बॉडी से बाहर जाएगा मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, तो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, मेंस्ट्रुएशन हुआ तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मतलब स्पर्म और ओवम का मिलन नहीं हुआ, स्पर्म और ऊसाइट का मिलन नहीं हुआ, स्पर्म और ऊसाइट का मिलन नहीं हुआ तो मियोसिस टू रीस्टार्ट नहीं, और इसीलिए ओवुलेशन होने के बाद फेलोपियन ट्यूब से जब बाहर निकलता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो मेंस्ट्रुएशन में सेकेंडरी ऊसाइट होता है जो मेटाफेज टू में अरेस्टेड होता है, क्योंकि तो स्पर्म ना आने की वजह से मियोसिस टू जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। ये बेटा पूरी कहानी। अब ग्रेफिन फोलिकल का मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। ये ग्रेफिन फोलिकल का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो बेटा, ये जो एग है बेटा, यही है अपना प्राइमरी ऊसाइट। यहाँ पे इसने प्राइमरी ऊसाइट बोला लेकिन ये गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए सेकेंडरी ऊसाइट, क्योंकि ग्रेफिन फोलिकल में मेरा बेटा क्या होता है, सेकेंडरी ऊसाइट होता है और बेटा साथ में होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब ये देखो, ये वाली जो पर्पल कलर की जो ये सेल्स हैं बेटा, ये वाली सेल, ये बेटा सारी सेल्स का जो नाम है वो है फोलिकुलर सेल, और फोलिकुलर सेल की कई लेयर हैं, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं बेटा ग्रेनुलोसा सेल। सो ग्रेनुलोसा सेल इज मास ऑफ फोलिकुलर सेल, इट इज मास ऑफ फोलिकुलर सेल्स। अब ये फोलिकुलर सेल का बेटा ये जो मास होता है, ये देखो यहां पे जो ये फोलिकुलर सेल का मास है, यानी ये समझ लो ये फोलिकुलर सेल के मास की वजह से ये जो ऊसाइट है, ये जो कैविटी होती है बेटा, इस कैविटी का नाम है एंट्रम। ये टर्शरी फोलिकल में बन जाती है, ग्रेफिन में और बड़ी हो जाती है। ये लिक्विड से भरी होती है, फोलिकुलर फ्लूइड जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है ऊसाइट को, ठीक है, और इसको फोलिकुलर सेल सिक्रीट करती है। अब ये जो सेल का मास है, ये सेल का जो मास है, ये इसको ऊसाइट को सस्पेंड किए हुए है। इसको उल्टा करके देखो, हमें पता चलेगा कि सेकेंडरी ऊसाइट इज सस्पेंडेड इन एंट्रम विद हेल्प ऑफ मास ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, एंड दिस मास ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इज माय डियर क्यूम्यूलस उफोलिकस। इसका नाम क्या होता है बेटा? क्यूमुलस उफोरिकस। तो क्वेश्चन आता है क्यूमुलस उफोरिकस क्या होता है? ग्रेनुलोसा सेल का मास होता है जो सेकेंडरी ऊसाइट को सस्पेंड किए हुए है एंट्रम के अंदर। ये जो मास है सेल का, इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाऊं, मान लो ये सेकेंडरी ऊसाइट है, ऐसे ऐसे मान लो ये सेल का मास है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये सेल का जो मास है जो सेकेंडरी ऊसाइट को सस्पेंड किए हुए है। अब बेटा देखते हैं, तो ये क्लियर हो गया। ये क्या है बेटा? ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा दो लेयर होती हैं, एक तो थीका इंटरना और एक थीका एक्सटरना। ये देखो, ये देखो, ये थीका एक्सटरना है और ये थीका इंटरना है। मैंने पहले बताया था कि एक के अंदर इलास्टिन फाइबर होते हैं, एक के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं और स्टीरोइड सिक्रीट करता है। थीका एक्सटरना के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, थीका इंटरना स्टीरोइड सिक्रीट करती है। अब देखो, ये जो थीका इंटरना और एक्सटरना, ये किससे बना है? ये बना है थीका फोलिकुलाई से। थीका फोलिकुलाई क्या है बेटा? ये
एक मिनट, जो स्ट्रोमल सेल होती है ना ओवरी के अंदर, ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है उसमें जो सेल्स होती हैं उसके डिफरेंशिएशन से बनता है थीका फोलिकुलाई, और जो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है थीका इंटरना और थीका एक्सटरना। तो थीका एक्सटरना एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, थीका इंटरना मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स होती है इसमें, एज वेल एज एस्ट्रोजन सिक्रिएट करता है, स्टीरोइड सिक्रिएट करता है। क्लियर है? अब जोना पेलुसिडा देखो कहां है, ये मेरा बेटा ये जो लेयर है ये सेकेंडरी उस साइड के जस्ट बाहर में जो लेयर होती है बेटा उसे जोना पेलुसिडा बोलते हैं, और फोलिकुलर सेल की बेटा ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है फोलिकुलर सेल की बेटा, जोना पेलुसिडा के बाहर इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा आर इलोंगेटेड फोलिकुलर सेल। कोरोना रेडिएटा के अंदर जोना पेलुसिडा है, यानी अब जब ओवुलेशन होगा तो बेटो देखो क्या होगा, ये पूरी स्ट्रक्चर टूटेगी, ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर टूट के बाहर आएगी, जब ये स्ट्रक्चर टूट के बाहर आएगी तो क्या क्या बाहर आएगा, बाहर मतलब बॉडी के बाहर नहीं, फेलोपियन ट्यूब में ओवरी से। तो स्ट्रक्चर टूट के जब बाहर आएगी तो जोना पेलुसिडा सेकेंडरी उस साइड जिसके ऊपर जोना पेलुसिडा उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा वो बाहर आएगा, ये सारा जो मटेरियल है ये अंदर ही रह जाएगा, इस मटेरियल से बनेगा कॉर्पस हेमेरिजेकम, फिर कॉर्पस ल्यूटियम, फिर उसके कुछ दिन बाद कॉर्पस एल्बिका। तो ये बेटा ग्रेफिन फोलिकल का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो टेक्निकल वर्ड है ज्यादा वो क्यूमुलस उफोरिकस है, जहां से मुश्किल क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, चलिए कोरोना रेडिएटा बार, उससे नीचे जोना पेलुसिडा। ओके, ग्रेफिन फोलिकल की बारे में बात आती है कि ग्रेफिन फोलिकल कंटेन सेकेंडरी ऊसाइट, सही बात है, इट इज सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। बेटा जोना पेलुसिडा इज ए सेलुलर, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ये फोलिकुलर सेल की नहीं बनी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कई बार। कोरोना रेडिएटा इलोंगेटेड फोलिकुलर सेल होती है जोना पेलुसिडा के ऊपर, यानी फोलिकुलर सेल का मॉडिफिकेशन होता है कोरोना रेडिएटा। क्लियर है? ग्रैनुलोसा सेल का काम एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, न्यूट्रिशन। क्यूमुलस उफोरिकस ऊसाइट को एंटर में सस्पेंड करता है। स्ट्रोमा जो सेल होती हैं वो मॉडिफाई होकर थीका फोलिकुलाई बनाती हैं, और थीका फोलिकुलाई अरेंज करके थीका इंटरना और एक्सटरना बनाता है। थीका इंटरना स्टीरोइड सिक्रीट करता है और ब्लड वेसल होते हैं, थीका एक्सटरना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होता है। कोलेजन की जगह बेटा इसमें इलास्टिन लिखो, ठीक है, इलास्टिन फाइबर होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कुछ कोलेजन फाइबर भी होते हैं बट इलास्टिन ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये था अपना फोलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में और ओवरी के बारे में। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे पूछ नहीं सकता जिंदगी में, नीट के अंदर इतना कर लो, मोर देन एनफ। पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट जरूर दिया करो, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा आप लोगों के काम करने का मजा आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये जो फ्री नीट कोचिंग इनिशिएटिव है इसको सब बच्चों तक स्प्रेड कीजिए, अपने ग्रुप के अंदर, अपने क्लासमेट्स के अंदर इसको पहुंचाइए। टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, DPQ सब मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का जो अपना ग्रुप है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड लक, बाय बाय।